हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम सोनी आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको महाभारत के एक ऐसे किस्से के बारे में सुनाना चाहता हूँ जो कि आपको बहुत ही मोटिवेट करेगा। और आप सबने प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट नाम का एक सेंटेंस बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर व सफल इंसानों से सुना ही होगा। तो इससे रिलेटेड ही आज मैं आपको महाभारत के एक ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बात उन समय की है जब धृतराष्ट्र और पांडु के सभी पुत्र द्रोणाचार्य के आश्रम में जाकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तब अर्जुन को एक रात प्यास लग गई, तो वो रसोई घर में पानी लेने के लिए जा रहे थे। तब भी उन्होंने देखा कि उनके भ्राता भीम, जो उनके भाई हैं, वो भोजन कर रहे थे। और वहां जाके उन्होंने ये प्रश्न किया कि भीम भैया, आपके हाथ जो है मुख तक इस अंधेरे में कैसे पहुंच रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये अभ्यास का परिणाम है अर्जुन, तुम नहीं समझोगे। तब उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, मैं चलता हूं। तब वहां से वो निकल कर जाकर आश्रम के बाहर अपना धनुष और बाण लेकर अभ्यास करने लगे। वो धनुष को बार बार बाणों के साथ मिलाकर छोड़ने लगे। तब वहां पर द्रोणाचार्य जब आए, उनको देखा अर्जुन को, तब उन्होंने बुलाया अर्जुन को और उनसे प्रश्न किया कि अर्जुन, तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? तब उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं ये अभ्यास कर रहा हूँ कि मैं अंधेरे में भी बाण सही जगह साध सकूं, मैं सही जगह मार सकूं। तब द्रोणाचार्य ने प्रश्न किया, ये तुम्हें शिक्षा कहाँ से मिली? तब उन्होंने बताया कि जब मैं रसोई घर में जा रहा था, तब मेरे भैया जो भीम है वो खाना खा रहे थे और उनके हाथ में आंख नहीं है, लेकिन उनका हाथ उनके मुख तक सही समय में पहुंच रहा था। उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही थी भोजन करने में, जो कि वो अंधेरे में भोजन कर रहे थे। तब द्रोणाचार्य ने उसी समय उनको सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की सोच ली थी, क्योंकि उन्होंने उस बात को समझा और ये सोचा कि वो प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करके वो ऐसे धनुर्धर बन सकते हैं कि वो रात को भी बाण चला सके और वो बाण उनके ही वो जहाँ चाहते हैं वहीं जाकर लगे। तो आप सबने इस किस्से से क्या सीखा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप सबने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।